5:30 बजे फिर हूँ इतने दिन चिपको आए ना, फिर फोन आया थोड़ी देर रुके नहीं, वह खुद को ही उठा के लेगा जा। मैंने कही कहा 5 लाख को इंतजाम कर लिया, मोलेगा उठा के नहीं अब बता देंगे। फिर 8 बजे फोन आया, रात के 8 बजे कही रुपया लिया कहाँ लाना जो करो, वह अकेले चढ़क जंगल में लिया ना लाया। फिर निवासी एक पीड़ित महिला कामा थाने पर पहुंची है, जहां कामा थाने पर पहुंचकर वह अपने पति देवर और अपने पुत्र के अपहरण की शिकायत कामा थाना पुलिस को कर रही है कि उसके पति का अपहरण यहाँ से नोनेरा रोड से एक सर्विस सेंटर से हो गया है और वह पीड़ित कामा थाने पर पहुंची है। क्या है पूरा मामला जानते हैं पीड़ित महिला से। जी क्या मामला है? गाड़ी धोन लुक 5:30 बजे फिर हूँ इतने दिन छिपको आए ना, फिर फोन आया थोड़ी देर रुके नहीं, वह खुद को ही उठा के लेगा जा। मैंने कही कहा 5 लाख को इंतजाम कर लिया, मोलेगा उठा के नहीं, वह कहा वाक सुन रहे का काम का इतने बजेड़ा का कौन सा काम का वह लेगा और बारिश हो ले चढ़ा को। फिर मैंने ठीक, मैंने कही ठीक है, तो देवर पे फोन आया मेरा पे, वन कही बारिश ने कही रुपया को कर लियो रुपया दे दे। मैंने कही कहाँ लाना जो कही ये तुम फोन छिना लियो वह पैसों, वन कही अब बता देंगे। फिर 8 बजे फोन आया, रात के 8 बजे कही रुपया लिया कहाँ लाना जो करो, वो अकेले चढ़क जंगल में लिया ना लाया फिर मार देंगे। कौन कौन है ले गए? एक देवर मेरा 8 साल को, एक छोरा 2 साल को। गाड़ी भी है? गाड़ी भी है। यह थी पीड़ित महिला जिसने बताया कि उसके पति देवर और उसके बच्चे को अपहरण कर लिया गया है, इनकी गाड़ी को भी वो साथ ले गए हैं। कामा थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कामा थाना अधिकारी दौलत साहू ने मामले की जांच के लिए एक टीम का गठन भी कर दिया है जो मामले में गहनता से जाँच करने में जुटी हुई है। हमारे साथ एक पीड़ित व्यक्ति और है, उससे भी जानते हैं कि क्या मामला है पूरा, किस तरीके से घटनाक्रम हुआ। जी क्या मामला है पूरा, क्या नाम है आपका? नाम साहिल खान। जी क्या मामला है साहिल? ये वो जो उठाए जी वो मेरा जीजा जी है जी, तो वो गाड़ी धुलाने के लिए सर्विस स्टेशन पे पहुंचा ना, तो शाम 5:30-1 बजे से एक घर से निकला, अब काफ़ी शाम हो गई थी, तो बाद में 1-2 घंटे बाद कॉल ही आई थी उसी के फ़ोन से छोटा जीजा जी के पास, इन्होंने अगवा कर लिया है कोई लहचौड़ा के बताए और 5-1 लाख की व्यवस्था कर ले। तो वो जीजा ने कही भाई 5-1 लाख के कर लेंगे व्यवस्था, आनो कहाँ जबकि हम बता देंगे 5 लाख की व्यवस्था कर ले। फिर बाद में 2-1 घंटे बाद आई कॉल, फिर वो जिसने उठाया वारिस नाम है उसका, उसी का कॉल आया, उसने कहा मेरा नाम वारिस है और लहचौड़ा गाँव का हूँ मैं, मुझे 5 लाख रुपए लेके लहचौड़ा के जंगलों में आ जाओ। तो अगर उससे क्या को पैसे को लेकर लेन देन का विवाद है क्या? लेन देन सर यह तो नहीं पता, बाकी कोई लेन देन तो हमारा है ना है, कोई आपसी मुठभेड़ ही हो सके कोई तो पता ना। आपने पुलिस को सूचना दी कुछ, अब सुनवाई तो कोई हो ना रही है, बात ही है। यह था पीड़ित महिला का भाई जिसने कहा है कि उसके जीजा और उसके बच्चे का और उसके देवर का अपहरण हो गया है और जहां पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।